Everybody, it's your boy MSV back with another video. So guys, आज मैं जा रहा हूँ अपनी books लेने के लिए जो है post office में. So चलो चलते हैं, लेकर आते हैं. गाइज, आई डोंट बिलीव इन रेगुलर स्कूलिंग, बिकॉज मेरे को इतना लगता नहीं कि वहाँ जा कर के हम कुछ कर पाते हैं. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माई कंडीशन. सो मैंने अपना 12th जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं अपने 8 घंटे अपने स्कूल में वेस्ट करना. और उसके बाद फिर ट्यूशन्स वगैरह भी होते हैं, मतलब कुछ स्कूल में इतना समझ नहीं आता. जो तुम्हें करना होता है वो घर आके करना होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग स्कूल मत जाओ, कहीं तुम कहो कि उज़ैर है मिस्वी ऐसा बोल रहा है और हम भी ऐसा कर लेंगे अगर तुम कोई मेरे बराबर है, मतलब छोड़ो ये. लेकिन हाँ, मैं बिलीव नहीं करता, मेरे को जाना नहीं है पसंद. और मैंने इस वजह से अपना 12th यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो गोल्स हैं वो बहुत काफ़ी अलग. आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और ये सिविल सर्विस, ये मेरा थिंग नहीं है, मेरे को ये सब पसंद नहीं है. बट हाँ, ये मत सोचो कि मैं और चीज़ें कर रहा हूँ, जो जिस चीज़ के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो अलग है. बट ऐसा नहीं है कि मैं उसी की तरफ सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं अपने स्टडी भी कर रहा हूँ साथ में. मेरा 12th होगा, देन मैं कॉलेज भी ज्वाइन करूँगा या कोर्स करूँगा किसी न किसी चीज़ का. मुझे उधर ही नहीं जाना है, इधर भी रहना है हल्का, कि अगर उधर नहीं हुआ तो इधर से कुछ हो जाएगा. बट मेरी ये थिंग, बट मैं बिलीव करता हूँ क्रिएटिविटी में. सो मेरे को अपनी क्रिएटिविटी से करना है लाइफ में कुछ ना कुछ. और तुमसे भी मैं यही कहूँगा, जो तुम्हें पसंद है तुम वही करो, बाकी तुम मेरी तरह मत करना. खाली तुम्हारे पेरेंट्स कहीं तुम्हें अलाउ करें या ना करें, बट इन माय कंडीशन इट्स बेटर टू स्टडी फ्रॉम होम. और सेकेंड थिंग ये है कि मेरे को भी लगता है कि आने वाले कुछ सालों में स्कूल्स बंद हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन है और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एंड तो स्कूल्स भी ऑनलाइन होने चाहिए. सो वही, अगर तुम्हें बात गलत लगती है तो कोई बात नहीं, अगर सही लगती है तो ठीक है. बाकी तुम अपना पढ़ो, मज़े करो एंड एंजॉय योर लाइफ. आगे देखते हैं हम क्या करते हैं. पहले मैं बुक संभाल लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, आज से स्टार्ट कर देना है भाई, कुछ ही टाइम बचा है. एंड हाँ गाइस, एक बात और बोलनी थी, मेरे सब्जेक्ट्स भी काफ़ी इजी हैं और वो भी ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे आगे भी काम आने वाले. सो एंड यहाँ गाइस, आज मैंने नाश्ता भी नहीं करा है. सो अभी मैं एक केला खा रहा हूँ, और फिर मैं एग्स बनाऊँगा और दूध हो गया जो मेरा रेगुलर है वही खाना है मेरे को. और अभी टाइम हो रहा है 12:05. तुम देख सकते हो मेरा नाश्ता कितनी लेट होता है, और आज कुछ ज़्यादा ही हो गया. और दिन तो 11 या 11:30 तक हो जाते. बट खाना है सर में वो किसी गई. अब मैं बना रहा हूँ अपने लिए 2 अंडे, कल मैं 2 ही खाता हूँ सुबह, बाकी ज़्यादा मैं खाता नहीं, दाने में निकल जाए चेहरे पर. इस वजह से मैं फ्लेम बहुत हल्की रखता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ होता है. जैसे मैं घी में बनाता हूँ, हम इसे ऐसे ऐसे करके फैला लेंगे, तुम देख सकते हो. अभी कह रहे होंगे यार क्या कर रहे हैं. ओके, नाउ इज द टाइम. ओके सो गाइस, अब हम इसे तोड़ने जा रहे हैं. सो 1 2 3 और वेट गाइस, सो देयर शेफ का अंडा तैयार हो गया. बॉर्नविटा मैं इसमें रखता हूँ, पैकेट में चिपक जाते हैं. दो बादाम. ओके सो गाइस, 12 बजे लोगों का खाना हो जाता है, मेरा नाश्ता हो रहा है. सो
खा लेता हूँ। मतलब थोड़ा आगे, जैसे तुम देख सकते थे फ्रॉग पॉइंट जहाँ पहले गए थे, और अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा और आगे जाने की सोच रहा हूँ मतलब मैं। सो लेट्स सी क्या होता है आगे जाके, देखते हैं। एंड गाइस ये सब मैं तुम लोग ले कर रहा हूँ, सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, और शेयर भी करना इस वीडियो को जितना हो सके। ओके सो देखते हैं हम कितना और आगे जाते हैं। सो लेट्स गो। सो हम पहुंच गए हैं भवाली। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि हम भवाली पहुंच गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम इतना लंबा अकेले ट्रैवल कर रहा हूं, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब देखते हैं स्कूटी कहां खड़ी करते हैं, थोड़ा यहां उसके बाद चले जाएंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 2:17, और हम रानीखेत से चले थे 1:15 या 12:30 ऐसे कुछ चले थे, क्योंकि 12:15 पे हम घर में थे, फिर मैं शॉप में गया, उसके बाद हाँ थोड़ा बहुत टाइम लग ही गया था, मतलब इतना टाइम लग गया हमें पहुँचने में। सो देखते हैं अगर हम घूम पाते हैं। ओके सो गाइस कुछ ऐसा तो दिखा नहीं मुझे वहाँ भवाली में, तो मैंने कहा थोड़ा आगे आ जाता हूँ, बट टाइम देख करके मेरा मन नहीं हो रहा है और आगे जाने का, हमें और ज़्यादा जल्दी आना पड़ेगा अगर हम हल्द्वानी जाएँ कहीं और जाएँ। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, एंड देखते हैं भवाली में अगर हम थोड़ा मार्केट देखते हैं। Alright guys, so this is the end of the vlog. मैं अभी आ रहा हूँ जिम से, and I hope तुम्हें मज़ा आया होगा इस vlog में। So make sure to subscribe, like and share. And I'll see you in the next one. Till then, bye.